नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती शशिकला सिन्हा, विभागाध्यक्ष इतिहास, शासकीय माता सबरी नवीन गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर। मैं आज बीए भाग एक इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत का इतिहास प्रारंभ से 1206 तक में पाल वंश के संबंध में कुछ जानकारी आपको देना चाहती हूँ। आठवीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में पाल वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त काल में शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का एक अंग था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल गौड़ के प्रसिद्ध शासक शशांक के अधिकार में था। उसकी मृत्यु के बाद वहां अराजकता फैल गई थी। बंगाल की जनता ने बंगाल में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए गोपाल नामक व्यक्ति को बंगाल का शासक बनाया, इसलिए गोपाल को ही पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना और उसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। वास्तविक अर्थों में वही पाल वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसने अपने जीवन काल में बहुत सी सफलताएं प्राप्त की थी और उसने विदेशी अभियान भी किए थे। धर्मपाल का संघर्ष राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार दोनों वंशों से हुआ था, क्योंकि वे अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रराज को परास्त कर पदच्युत कर दिया था और कन्नौज में एक विशाल सभा का आयोजन भी किया था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने पैतृक रूप में बंगाल का छोटा सा राज्य प्राप्त किया, परंतु अपने पराक्रम तथा शौर्य के द्वारा वह उत्तर भारत का एक शक्तिशाली महान सम्राट बन गया था। उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज व परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ और वह उसने भी वही परम भट्टारक और महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की। उसने भी बहुत अधिक विजय की है। अभिलेखों में देवपाल के समस्त उत्तर भारत का अभियान किया था तथा हिमालय से विंध्याचल तक व पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र के प्रदेशों से उसने उपहार प्राप्त किए थे। उसने उत्कल व द्रविणों पर भी विजय प्राप्त की थी। गुर्जर व प्रतिहारों के साथ भी उसने युद्ध किया था। देवपाल बौद्ध मत का महान आश्रयदाता था। उसने भिक्षुओं की विभिन्न सुविधाओं, धर्म रत्नों की सुमात्रा और जावा के राजा द्वारा निर्मित बिहार के निर्वाहन के लिए उसने 5 गांव दान में भी दिए थे। उसने मगध में अनेक मंदिर और विहार बनवाए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल शासक बना। उसके बाद क्रमशः नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल दूती, विग्रहपाल दूती शासक बने। उन्होंने लगभग 80 वर्षों तक शासन किए। विग्रहपाल दूती के पश्चात उसका पुत्र महीपाल शासक बना। उसके अधीन पाल वंश की शक्ति एक बार पुनः जागृत हुई। उसके राज्य में दिनाजपुर, मुजफ्फरपुर, गया, पटना आदि सम्मिलित थे। यद्यपि चोल एवं कलचुरी आक्रमण के कारण वह उत्तर भारत की राजनीति में विशेष भाग न ले सका, तथापि धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। उसने महीपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी। सारनाथ में अनेक मठों तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण भी उसने कराया था। बौद्ध गया व नालंदा में भी उसने बहुत अधिक निर्माण कार्य कराया था। महीपाल प्रथम का नाम उन हिंदू राजाओं के संग में नहीं आता जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणों को रोकने के लिए संगठित किया गया था, इसलिए कुछ लेखक उस पर देश प्रेम न होने का आरोप लगाते हैं, किंतु यह कहा गया है कि महीपाल का कार्य न्यायपूर्ण था और उस समय की जो परिस्थिति थी उसके ऊपर अपने साम्राज्य को ही संगठित करने का दायित्व था। उस समय बहुत अधिक कठिनाइयां फैली हुई थी, इसलिए
तत्कालीन आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना और प्रशासन को व्यवस्थित करना ही उसका प्रमुख दायित्व था, इसलिए उसने मुस्लिम आक्रमणों की ओर कोई ध्यान नहीं दे पाया। डॉक्टर डी सी गांगुली का मत है कि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि महीपाल ने केवल पाल साम्राज्य को भावी विनाश से नहीं बचाया, बल्कि पाल वंश की पुरानी शक्ति और गौरव को भी काफी सीमा तक पुनः स्थापित किया है। महीपाल के पश्चात क्रमशः नयपाल, विग्रहपाल तृतीय, महीपाल द्वितीय, रामपाल और अंतिम शासक कुमारपाल बना। उसके उत्तराधिकारी अशक्त थे, जो वंश के पतन को रोक न सके। अधीनस्थ सामंत स्वतंत्रता घोषित करने लगे और पाल वंश का अधिकार केवल बिहार के एक भाग तक सीमित रह गया। इस प्रकार पाल शासकों ने लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया, किंतु उनकी राजधानी अभी तक निश्चित नहीं हो सकी है कि वास्तव में उनकी राजधानी क्या थी, लेकिन इतिहासकारों ने यह कहा है कि संभवतः मुंगेर उनकी राजधानी थी। पालवंशी कला और साहित्य के महान संरक्षक थे, किंतु पाल युग का कोई भी स्मारक अब विद्यमान नहीं है। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, संरक्षक थे, किंतु हिंदू धर्म के प्रति भी वे सहिष्णु थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए और हिंदू देवताओं के सम्मान में कई मंदिरों का निर्माण कराया है। धन्यवाद।